हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, दिखने में डिफिकल्ट लगता है कि बताइए इनमें से ग्रेटर कौन सा है, और बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसको कंसेप्ट यूज करके भी और जल्दी कैसे किया जा सकता है, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। ध्यान से देखिए, ये है 2 पावर 200, ये है 3 पावर 150। बेस दोनों का ही अलग अलग है। बेस सेम हो ना, फिर तो वैसे ही आइडिया हो जाता। तो हमें यहां पर करना क्या है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखिए 2 to the power 200 है ना, इसको थोड़ा सा हम एक अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसको जो ऊपर 200 है, पहले तो मैं इसको 4 × 50 लिख सकता हूं, राइट। 200 को क्या लिख सकता हूं, 4 × 150। अच्छा, इसी को फिर फर्दर देखिए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर 4 और फर्दर उसकी पावर 50। यही होता है ना एक्सपोनेंट रूल की, 4 और 50 मल्टीप्लाई होके 200 बन जाएगा। तो अभी तक देखो हमने कुछ डिफिकल्ट नहीं किया। अब 2 पावर 4 क्या होता है, 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये क्या बना, जब मैंने फर्स्ट को सॉल्व किया, 16 पावर 50 ये बन गया मेरे पास। ध्यान से देख लीजिए, 2 पावर 100 को सोल्व किया तो 16 पावर 50 बनता है। नेक्स्ट क्या है, 3 पावर 150, इसको भी सोल्व करके देखते हैं। मेरा मेन टारगेट है कि एक्सपोनेंट को 50 बना लूं यहां पर भी। इसको मैं 3 पावर 3 × 50 लिख सकता हूं 150 को, और फर्दर सेम उसी तरीके से 3³ फिर उसकी पावर 50 है ना, कोई फर्क नहीं है। 3 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी 3 को क्यूब भी कर दें मल्टीप्लाई, तो क्या करना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ही बनने वाला है। 3³ कितना होता है, 27। ये बन रहा है 27 पावर 50। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। अब आप देखो, मुझे इसको तो कंपेयर करना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन यहां 16 की पावर 50 करो, 27 की पावर 50 करो, अब सीधा समझ आता है। जब दोनों की पावर ही 50 है तो फिर बड़े वाले नंबर की पावर ही बड़ी होगी। यानी कि मैं इतना देख सकता हूं यहां पर कि 27 की पावर 50 अगर करेंगे ना, वो ग्रेटर होगा किससे, 16 की पावर 50 करने से। ये तो क्लियर है। तो 27 क्योंकि बड़ा है ना, तो 27 पावर 50 किसकी वैल्यू बनी थी, 3 पावर 150 की। यानी कि ये 3 पावर 150 जो है ना, ये वाला नंबर ग्रेटर है। और आप इनके बीच में ऐसे सिंबल लगा सकते हो कि 2 पावर 200 इज लेस देन 3 पावर 150। इसी तरीके से चेक करते हैं, मतलब ये तो एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिया था ना। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर समझ ना आए तो यही करते हैं, किसी तरीके से एक्सपोनेंट सेम बना के बेस अलग अलग हो जाए, कोई बात नहीं, बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। आई होप समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द